वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइड नमित। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया चल रहा होगा। ये जो टाइटल आप देख रहे हो ना, ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि यार देखो, ये हर उस बंदे के लिए है जिसने कभी कोई कार परचेज की है या फिर अपने आप कोई भी व्हीकल परचेज किया हो, चाहे वो एक बाइक हो चाहे वो एक कार हो। ठीक है, तो क्यों मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ कि मतलब अब मुझे गाड़ी के साथ 2.5 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए यार, मई जून 2 साल 3 महीने हो गए। ठीक है, और इस 3 महीने के स्पैन, 2 साल 3 महीने के स्पैन में मैं ही जानता हूँ कि ये कार मेरे कितने क्लोज्ड है और कितनी जगह ये काम आती है और कितना मैं इससे अटैच हो चुका हूँ। ठीक है, ऑल दो ये कोई बहुत सुपर लग्जरी कार नहीं है या फिर ये कोई बिल्कुल मतलब ऐसा रॉकेट नहीं है मैं लेके घूम रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम आई कैचर हो, बट आई नो कि मेरे हिसाब से जो मैंने परचेज़ की थी ये बेस्ट थी और मैंने बहुत सोच समझ के इस गाड़ी को परचेज़ किया था, बल्कि ऑप्शंस बहुत सारे थे। ठीक है, एंड आज भी मतलब 4 साल की स्कीम आई है, 2 साल की कंप्लीट कर चुका हूँ, 2 साल की और बची है। ठीक है, तो जब आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो जिसमें अब मैं इसको ना हमेशा जब भी इंस्टाग्राम पे इसका कोई स्टेटस लगाता हूँ या कोई स्टेटस एज इन कोई स्टोरी लगाई तो हमेशा उसमें बोलता हूँ माई 1 BHK। ठीक है, वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार क्या कहते हैं मतलब ऑलमोस्ट ये लगा लो सुबह घर से निकले इसमें बैठे हुए हैं, ऑफिस तक ले जा रही है, वहाँ से वापस आए फिर इसमें आ रहे हैं, तो बेसिकली पूरी जो दिन की जर्नी है वो इसमें ही होती है, ऑफिस और ऑफिस का रास्ता, बस घर आके खाया सो गए सुबह उठे और चल दिए ऑफिस, तो यही रूटीन है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ठीक है ये आपका एक डेली लाइफ का पार्ट ही बन चुकी है अब तो खैर, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना ज़्यादा एक गाड़ी से अटैच हो जाते हो, आपके दुख सुख में ये काम आती है। ठीक है, आप किसी फंक्शन में ले जाना चाहो तो वहाँ मतलब ऑलमोस्ट हर जगह यार एक गाड़ी काम आती है, बल्कि हम इंडियन फैमिलीज़ में तो यार वो क्या कहते हैं कितनी बारी एक सक्सेस की डेफिनेशन होती है टू बी ऑनेस्ट, यानी कि अगर आपने गाड़ी जोड़ ली अपनी जॉब से खुद जोड़ ली तो काफ़ी बार लगता है कि चलो यार बहुत कुछ तो नहीं कर पाया पर थोड़ा बहुत तो कर लिया। ठीक है, बिकॉज यू नो कि भाई कार कम्स विद अ कॉस्ट, इसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है हर चीज़ में, ये पेट्रोल बहुत लेती है, पेट्रोल डीजल CNG जो भी आपने परचेज की, फ्यूल बहुत लेती है बेसिकली, और आप इसकी EMI भर रहे हो, इसका मेंटेनेंस आप संभाल रहे हो, तो ये आप काफ़ी बैंक खाली कर देने वाली चीज़ है। मेरा तो बहुत पैसा जाता है इस गाड़ी में, बल्कि मैं तो पूरे मंथ इससे ट्रैवल कर रहा होता हूँ ऑफिस, जब से आई है तब से बाइक यूज़ ही नहीं करी है मैंने। ठीक है, मतलब वीकेंड में चला लेता हूँ छोटी मोटी चीज़ों के लिए, बट इस तरह से जितना रोज ऑफिस इसमें जाता हूँ इसमें रहता हूँ तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। गाड़ी में एक हल्की सी खरोच भी आ जाए मेरे में तो ऐसा लगता है कि दिल पे किसी ने खरोच मार दी हो, और मेरी गाड़ी में तो 3-3, 4-4 आ चुकी हैं, पता नहीं एक बार पार्किंग में खड़े खड़े इसमें वो दे रखा है स्क्रैच। मैंने कभी लिया नहीं इंश्योरेंस, लेकिन शायद इस साल लूँगा इसका। ठीक है, थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा फिर देख आऊँगा यार, अभी तो इतनी गर्मी में इससे ट्रैवल करने में समझदारी है फिलहाल, टच वुड जब तक। तो मतलब इंडिया में आप देखेंगे जब हमारे घर में पहली गाड़ी डिलीवर हो रही होती है तो पेरेंट्स थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, चाहे वो इमोशन दिखाए ना, बट डीप डाउन देनो कि यार चलो बच्चे ने गाड़ी जोड़ ली काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, खुद से गाड़ी जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है भाई, इट्स नॉट दैट ईजी गेम। ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास और धीरे धीरे करके आप ऊपर आए हैं। ठीक है, तो यू नो टेक्स अ लॉट, प्लस मैंने तो बिल्कुल भाई बिल्कुल करियर की मतलब समझ लो 1-1.5 साल की उस एक्सपीरियंस में ही गाड़ी खरीद ली थी। ठीक है, इसकी वजह से आज मेरे पास अच्छे खासे सेविंग होती नहीं, अब नहीं है। ठीक है, मैंने बिल्कुल करियर का जो 1-1.5 साल हुआ था उसी में गाड़ी को ले लिया था, एंड उसी में मैंने ये तब से अब चल ही रही है। मैंने कहा चलो यार स्टार्टिंग में सबसे पहले गाड़ी जोड़ते हैं, तो घर तो था ही टचवुड। ठीक है, तो ये जोड़ लिया था और इसकी EMI चल रही है अभी तक। तो इट्स नॉट दैट ईजी कि आप सोचते होगे कि हाँ यार हो जाएगा, नहीं है वो ऐसे नहीं हो पाता यार, टेक्स अ लॉट ऑफ करेज और तो आपको वो वेलनेस होनी चाहिए कि हाँ यार मुझे अगर EMI पे ले रहे हो तो वो मिसाल भरनी है। बट हाँ, फॉर नॉट फॉर everyone, बट अगर आप एक बहुत मतलब बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और क्या कहते हैं आप फिर गाड़ी जोड़ते हैं तो यस यू वो जो सक्सेस की डेफिनेशन है उसमें से एक हल्का सा राइट हल्का लाइट वाला ग्रीन वाला चेक मार्क तो आ ही जाता है इंडिया में। ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट हो जाता है, आपके लिए भी अच्छा होता है, बिकॉज काफ़ी जगहों में गाड़ी का यूज़ है यार। प्रैक्टिकली अगर हम इसकी वो हटा दें कि हाँ ये स्टेटस का सिंबल है, तो प्रैक्टिकल यूज़ भी कार के बहुत सारे हैं। ठीक है, आपके सुख दुख में काम आएगी, कहीं जाना है वहाँ आएगी, आप ग्रुप में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो एक साथ, प्लस कंफर्ट तो गाड़ी देती ही देती है। इतनी गर्मी में आप देखो गाड़ी से जाओगे तो AC में जाओगे, थोड़ा चिल रहता है मामला, तो ये सब चीज़ें हैं। बट हाँ, दिस इज़ फॉर एवरीवन, बीट मेल फीमेल, दिस वीडियो इज़ जस्ट कि हम लोग कितना अटैच होते हैं अपने व्हीकल से। ठीक है, कि ये बिल्कुल एक पार्ट ऑफ ए डेली लाइफ बन जाता है कि यार इसी में हर चीज़ करनी है, इसी में ही मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, इसी में ही आप अगर मूड से ऑफ हो तो अंदर बैठ के खुद से बात भी इसमें ही कर रहे हो, खुश हो तब भी इससे ही बात कर रहे हो, तो इट्स जस्ट लाइक अ कंप्लीट हाउस फॉर समवन। ठीक है, आप ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा वो लाइफ को निकालते हो, तो बस जस्ट एक आया थॉट में कि यार चलो कभी कभी एक ग्रैटिट्यूड वाली भी थिंकिंग होनी चाहिए कि लाइफ में वहाँ तो नहीं पहुँचे जहाँ सोचा था, बट जहाँ
नहीं सोचा था वहाँ ज़रूर थोड़ा बहुत पहुँच गए। तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरी मोमेंट जो भी है, मतलब कुल मिला के मेरा ये हल्का सा एक था, मोटिवेशन तो ना समझो बट जस्ट अ ग्रैटिट्यूड वाला कि हाँ चलो यार बहुत कुछ नहीं है तो जो है उसमें संतुष्ट रहें। तो ये था बस, अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आप खुद भी रिलेट कर पाओगे कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ कितना झूठ बोल रहा हूँ, कि जिस पे भी व्हीकल है चाहे बाइक हो कार हो, इट्स जस्ट लाइक बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड समझ लो आप।